मुझे जहाँ तक लगता है, आप सभी लोगों ने अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, और अगर आप लोगों ने देखे हैं तब आप लोगों को मालूम भी होगा कि इस तरह के जो भी आपके इंडेक्स होते हैं, सूचकांक होते हैं, या फिर इन सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था होती है उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। और दो यहां हम लोग सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो आप देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, और इसी के तर्ज पर एक आपने नाम सुना होगा भारत नवाचार सूचकांक। इन दोनों में आप लोग फर्क भी याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी आने की पूरी संभावना भी रहती है। तो एक को तो आपको बता दूं कि जो भारत नवाचार सूचकांक है इसे तो आपका नीति आयोग जारी करता है, और जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसे आपका बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। एक बार आप लोग मैप पर चलिए और यहां आप लोग बौद्धिक संपदा संगठन, यानी जिसे आप लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे देख लीजिए। ये हमारा प्यारा पृथ्वी पर हमारा प्यारा भारत, और अपने पड़ोसियों को भी देख सकते हैं आप लोग। ये श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर ये आपका पड़ोसी चाइना, पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान। यहां से आप लोग जाएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे जेनेवा। देखिए यह है जेनेवा। तो जो बौद्धिक संपदा संगठन है इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, जेनेवा शहर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें आप लोग देखेंगे 193 सदस्य देखने को मिलेंगे, यानी कि इस संगठन के 193 मेंबर भी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और हाल ही में इसे जारी किया गया है, और 2021 की रैंकिंग में भारत की स्थिति 2 स्थानों का सुधार हुआ है और अब 46वें स्थान पर आ गया है। पहले आप देखेंगे 48वें स्थान पर था, 2 अंकों का सुधार होके 46वें स्थान पर आ गया है। और इसमें अगर आप लोग देखें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे आप लोग GII भी कहते हैं, तो इसे आप लोग आपका बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कौन सी? बौद्धिक संपदा संगठन। GII यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक का उद्देश्य विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में नवाचार रैंकिंग और समृद्ध विश्लेषण के बहुआयामी पहलुओं का पर पकड़ को मजबूत करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें 132 देशों को शामिल किया गया था, और 132 देशों की सूची में आप देखेंगे एक तरह से आपको 46वां स्थान मिला हुआ है। इसे आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 132 बच्चे हैं और उसमें से आपका अंक, आपका नंबर 46वें नंबर पे है, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का नंबर भी 132 में 46वें नंबर पे है। आप साझेदारी की बात करें तो इसे पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट और अन्य कॉरपोरेट भागीदारों के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया जाता है। इसमें शामिल आप देखेंगे ब्राजीलियाई नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसे आप लोग CNI भी कहते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ, और इको पेट्रोल कोलंबिया, तुर्किश एक्सपोर्टर असेंबली TIM, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगर हम लोग इनके आधारों की बात करें, यानी कि संकेतकों की बात करें, तो किन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए इसे इस सूचकांक को तैयार किया जाता है? तो सूचकांक में विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग आप देखेंगे 80 संकेतक शामिल होते हैं, तथा इन्हें इनोवेशन इनपुट और आउटपुट में समूहीकृत किया जाता है। इनोवेशन इनपुट में बात करें तो संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, आधारभूत संरचना, बाजार कृत्रिमता और व्यवसायिक विशेषज्ञता शामिल है। अगर आप इनोवेशन आउटपुट में देखेंगे तो इसमें ज्ञान और प्रौद्योगिकी रचनात्मकता शामिल है। अगर हम लोग इसमें वैश्विक प्रदर्शन की बात करें तो रैंकिंग में शीर्ष यानी कि टॉप 5 देशों की बात करें तो इसमें आप स्विट्जरलैंड भी देख सकते हैं, स्वीडन, अमेरिका, UK नवाचार में रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं, और ये देश पिछले 3 वर्षों से 5 स्थान पर बरकरार बने हुए हैं।
तो याद रखिए स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके। और कोरिया गणराज्य की बात करें तो 2021 में पहली बार GII के शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल हुआ है। और एशियाई देशों में बात करें तो 4 एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शीर्ष 15 में शामिल हैं, जिनमें सिंगापुर 8वें नंबर पर है, और चीन आपका 12वें नंबर पर, जापान आपका 13वें नंबर पर, और हांगकांग 14वें नंबर पर। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें अगर भारत के प्रदर्शन की हम लोग बात करें तो भारत पिछले कुछ वर्षों में GII यानी कि आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में सतत वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी कर रहा है। ये आप तो देखेंगे 2015 में 81वीं स्थान पर था और 2021 में बढ़कर ये 46वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि सुधार देखा गया है इन सालों के बीच में। और भारत ने 2021 में नवाचार इनपुट की तुलना में नवाचार आउटपुट में बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस बार भारत नवाचार इनपुट में 57वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष के बराबर लेकिन 2019 से अधिक देखने को मिलेगा। जहां तक नवोन्मेष उत्पादन की बात है तो भारत का स्थान इसमें 45वां स्थान है। यह स्थिति पिछले साल की समान लेकिन 2019 से अधिक है। और 34 निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं में भारत दूसरे स्थान पर शामिल है, और मध्य और दक्षिण एशियाई की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का पहला स्थान है। और सरकार ने देश के बेहतर प्रदर्शन के लिए परमाणु ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विभागों को महत्वपूर्ण माना है। तो समग्र रूप से आप लोग याद रखिएगा 46 यानी कि 46वें नंबर पर है। हो सकता है कि देखिए यही पूछा जाएगा और आगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से इस तरह की कोई रैंकिंग पूछे, तो इसे भी याद रखिएगा। और 2019 में अनुसंधान और विकास 8.5% की असाधारण दर से बढ़ने के साथ महामारी से पहले नवाचार में निवेश एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। और शीर्ष अनुसंधान और विकास व्यय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए सरकारी बजट आवंटन में वर्ष 2020 में निरंतर वृद्धि देखी गई। और वर्ष 2020 में दुनिया भर में वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन में 7.6% की वृद्धि भी हुई है। भारत हो, केन्या हो, मोलदोवा हो, गणराज्य वियतनाम हो, इन्होंने लगातार 11वें वर्ष अपने विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार पर बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और इसमें आपका भारत देश भी शामिल है। और जिसकी बात कर रहे थे, भारत सरकार जो आपका नीति आयोग जारी करता है, और याद रखिए नीति आयोग वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके सन 2015 में आया हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। अब आप देखते हैं कि एक तरह से जो योजना आयोग था वो खत्म हो चुका है। तो भारत नवाचार सूचकांक को GII की तर्ज पर यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा विकसित किया जाता है। और सूचकांक में प्रति मिलियन जनसंख्या पर पेटेंट, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन, अनुसंधान पर सकल घरेलू उत्पाद खर्च का प्रतिशत जैसे पारंपरिक नवाचार दृष्टिकोणों के अतिरिक्त कुछ नवीन मानकों को भी अपनाया गया है। और इन नवीन मापदंडों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट स्थान रखने वाले जनसांख्यिकीय लाभांश जैसे कारकों भी को भी शामिल किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक की बात की जा रही है इसमें, तो इन दोनों को याद रखिएगा, कौन जारी करता है इसे भी याद रखिएगा, और इस संगठनों के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट याद रख लिया करेगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि संगठनों से क्वेश्चंस पूछ ले या फिर इस सूचकांक से क्वेश्चंस पूछे, बस इतना ही आ सकता है, ठीक है?